तो मार्केट में चले पहले वहाँ रेट पता करें फिर अपन मॉल चले। चालाकी करना चाहिए मतलब चालाक ब्रो। एक ब्लैक शर्ट लो क्या? पता नहीं नहीं अच्छा लग रहा है। फोटो मस्त आएंगे। इसकी एक तरफ रख ले। अच्छा लग रहा है। अच्छी लग रही है पर अच्छी लग रही है वो चटक पटक ना बहुत सारा। इसकी इसका टेस्ट थोड़ा अलग है। अच्छी लग रही है पर अजीब सी लग रही है मतलब बुरा भी नहीं लगे बोल भी दिया। लो घर वाले को फ्री कर दिया। अबे कैसा लग रहा है गोल अंडे जैसा। हेलो हेलो गाइस। और जैसे कि मैंने आपको सुबह के टाइम में बताया था कि आज हमारा आरी की तरफ से एक इवेंट होने वाला है, मैं आ नहीं पाया क्योंकि मेरे छुट्टियों का इशू था। तो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस वंस अगेन, आपका वापस से स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग में। कोई तार निकल रहा है इसका पता नहीं कहीं का, देखना वो तार निकल गया वहां से, थोड़ा ध्यान से रखना, गेट लगा लो। सो बात कुछ ऐसी कि अभी हम जा रहे हैं मार्केट और मार्केट में है थोड़ा सा काम, मम्मी पापा जो है थोड़े दिनों में जाने वाले भूटान घूमने के, उसके चक्कर में इनको एक ट्रॉली बैग लेके आना है और छोटे मोटे काम है वो सारे निपटाएंगे। आज आज छुट्टी थी मेरी जन्माष्टमी की तो सोचा थोड़ा सा निकलते हैं मार्केट में, बच्चों को बेवकूफ बना ही दिया उनको बढ़िया तरीके से, उनको टोपी पहना के निकले हम दोनों स्टैंड से। तो सबसे पहले किधर चले माता जी, मॉल चले या फिर लोकल मार्केट में चले? रात माता रोड पर पूछ चले ना, रेट से पूछ के चलते हैं। तो मार्केट में चले पहले वहाँ रेट पता करें फिर अपन मॉल चले। चालाकी करना चाह रही हो मतलब चालाक ब्रो, सस्ता पड़ेगा वहाँ से लेना ना। सही बात है। पहुँच तो गए, आ जाओ। एक ब्लैक शर्ट लो क्या? सही है आगे वाले मतलब तो ठीक है। नहीं नहीं अच्छा लग रहा है सही में, फोटो मस्त आएंगे। इसकी एक तरफ रख ले। साहब दुनिया भर की शॉपिंग कर ला आज, लेने गए थे सिर्फ कपड़े, लेने गए थे सिर्फ कपड़े, पता नहीं क्या क्या लिया। ये देखो कपड़े भी आ गए, बैग भी आ गया, मुड्डा भी आ गया, समोसे कचौरी भी आ गए। अरे खोलो अंकी पंकी, अंकी पंकी मेरा पागल हो जाएंगे। ये कुछ भी नहीं है। ओ हट जा हट जा, आगे 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 आगे, डाकू को आवाज आएगी। अभी आया भक्तों स्पीड से, आगे आगे आगे, ये आ गया डाकू। देख मनु कितनी सारी चीजें लाए पापा। ये क्या है? देख बैग, अरे ट्रॉली बैग। ये माँ का बैग है, मैं माँ घूमने जा रही है ना उनके लिए। हैं आपके लिए कहाँ से आ गया बेटा? देख मुड्डा भी लेके आया नया मुड्डा, ये देखो ये मुड्डा आपका और मेरा। तू मस्त रह। और पापा कपड़े भी लाए, देख एक तो ये, एक ये वाइट और एक और है ना ग्रे। हट जा मस्त, ए हट जा दोनों से। ओ मम्मी बनी जमकुड़ी, दे मनु माँ के लिए। अच्छी लग रही है पर अच्छी लग रही है वो चटक पटक ना बहुत सारा। इसकी इसका टेस्ट थोड़ा अलग है, अच्छी लग रही है पर अजीब सी लग रही है मतलब बुरा भी नहीं लगे बोल भी दिया। अभी मुझे छुप के रिकॉर्ड करना पड़ रहा है क्योंकि आज जो है मंगलवार है और मुझे जाना है गोदावरी धाम, और अगर मुझे इन दोनों बंदरों में से किसी ने जाते हुए देख लिया तो बड़ा परेशान करेंगे। तो दिन में हमने काफ़ी सारी शॉपिंग करी वो मैंने जिसकी बताई दिया, और अब हम जा रहे हैं गोदावरी धाम। दोस्त जो है वो मेरा वेट कर रहा है, मैं घर छुप के इसलिए बना रहा हूँ, देख गोदा इस वजह से मुझे छुप करके रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, और अभी चुपचाप निकलो इस टाइम से। रुको घर वाले फ्री कर दे, कैसा लग रहा है गोल अंडे जैसा। हेलो हेलो गाइस, अरे क्या कर लिया तूने ये राजा।
मैं भी कई बार काटता हूँ ना सही में कट जाती है, गंदी करती है पूरी। मैं तो बहुत टाइम हो गया दाढ़ी कटाए, एक बार आए थे याद है मैं वहाँ पे अपने हेलो पता नहीं किसको बोल रहा पर समझ में नहीं आ रही, उससे बात करना मेरे को अगर हमारी आवाज आ रही हो तो हम गोदावरी धाम बैठे हुए हैं। और भाई पूरा लाइन अप हो रहा है तो पहले से ही उसमें फंसा दो सेवन माइलन के साथ एक ही निरंकार। अच्छा किस साइड रखा है इनके सारे गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू रॉयल एनफील्ड मॉनसून ट्रेन 2024 राजस्थान। वी आर वेरी ऑनर्ड टू हैव यू ऑल। हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे आप लोगों के। अभी मेरी पहली राइड है, बाकी यस वी और गरुड़ा मेरे साथ तो करता रहता हूँ, अच्छा एक्सपीरियंस है हमारी के साथ। सो एंटायर नॉर्थ जोन इज टेकिंग केयर, ही इज मिस्टर मोहित तिवारी, ही इज टेकिंग केयर ऑफ दिल्ली एनसीआर एंड नोएडा। बढ़िया प्रॉपर्टी बना रखी, एकदम स्विमिंग पूल वगैरह नहीं, बढ़िया। चलो चलो पीछे देखने गए थे, क्या सीन है प्रॉपर्टी? और जैसे कि मैंने आपको सुबह के टाइम में बताया था कि आज हमारा आरी की तरफ से एक इवेंट होने वाला है, मैं आ नहीं पाया क्योंकि मेरे छुट्टियों का इशू था, बट कुछ जो दोस्त हमारा RJ20 राइडर क्लब से वो लोग साथ जरूर शामिल हो रहे हैं इस राइड में। और अभी थोड़ा जो ब्रीफिंग वगैरह हुई थी उसमें हम शामिल हुए। आज आशु का बर्थडे था जिसे मैंने वो भी बताया था शायद सुबह, मुझे याद नहीं आ रहा, तो उसका बर्थडे भी सेलिब्रेट करने आए थे और केक कोई नहीं लाया होगा मुझे अच्छे से याद है उठ उठ के तो सारे आ गए। अब बस निकल रहे हैं यहाँ से, ब्रीफिंग वगैरह हुई, काफ़ी सारी बातें भी हुई। और ये कुछ प्रॉपर्टी देखो एक बार यार, क्या जबरदस्त बनाएंगे, मस्त, बहुत ही बढ़िया जगह, मज़ा आ गया। आ रही है देखो दोनों साइड पैनल लगे हुए हैं।